फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ, मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपे और बंदूकें लेके दी है, आज वही हेलीकॉप्टर तोपे और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाजे तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे कुंबत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल के मैदान रहने दो, आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हिस्से जाओ। हम इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की कुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलू के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियां अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे, इंशाल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह।